पैराल ओके फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है ओके okay? और जो सेकंड है वो इस डायरेक्शन में है तो ये, अगर इन दोनों के अंदर इन दोनों के दरमियान अगर थीटा जो डिफरेंस है एंगल का वो जीरो डिग्री है क्या? अगर वो जीरो डिग्री है तो वो हमारे पास क्या होगा हमारे पास पेराल होगा इसी तरह मैं आपको बताता हूँ परपेंडिकुलर क्या चीज uh, परपेंडिकुलर ओके okay? uh, परपेंडिकुलर वेक्टर uh, कब होते हैं हमारे पास पेंडिकुलर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये वेक्टर है और अब दूसरा वेक्टर है जो या उसके 90 डिग्री पे हो या 270 डिग्री पे हो क्या हो 270 सेवेंटी ये एंगल हमारे पास कितना है ये पास हमारे पास है 90 डिग्री और ये हमारे पास कितना है और ये हमारे पास है 270 डिग्री ओके आ, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास क्या होगा इसको अच्छा पैरल को हम डिनोट करते हैं आ, ऐसे आ, आ, सॉरी आ, ये पैरेलल की निशानी होती है ये पैरेलल है और अगर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर को हम कैसे करते हैं ये ऐसे आ, एक लाइन उसके ऊपर 90 डिग्री पे एक आ, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ये निशानी है किसकी परपेंडिकुलर की और ये किसकी है ये पेराल की ओके आ, अच्छा अब मैंने आपको पैरेलल बता दिया परपेंडिकुलर बता दिया एक होती है एंटी पैरेलल क्या होती है एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल ओके एंटी अच्छा एंटी पैरेलल कब होता है एक वेक्टर हमारे पास ये है और अब एंटी पैरेलल तब होगा जब इनमें जो डिफरेंस है वो 180 का हो जाए जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना हो जाए वन एटी का हिठा डिफरेंस कितना है हमारे पास वन एटी डिग्री का अच्छा ये अब आ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वन एटी डिग्री है आप ये देखें अगर आपके पास एक ये वेक्टर्स है और एक ये वेक्टर। ये देखें डायरेक्शन दोनों की ओपोजिट हैं वन एटी पे हैं तो आप ये देखें ये इनके दरमियान क्या है वन एटी डिग्री ओके ठीक अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए वेक्टर है ए वेक्टर मेरे पास क्या है मेरे पास ए वेक्टर है आ, ये देखें ये डायरेक्शन है मेरे पास किसकी ए वेक्टर की ओके और एक मेरे पास बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन मेरे पास है आ, ये सिंपल हॉरिजेंटल है ओके आ, ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर ओके ये बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए वेक्टर है अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ मैं आ, कहता हूं कि ए माइनस बी मुझे करें ठीक है ए माइनस बी अच्छा जो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल एडिशन की तरह ही है इसको मैं लिखूँगा ए वेक्टर पहले प्लस माइनस बी इससे जो ये माइनस है ये क्या करता है माइनस क्या कर देता है इसको 180 डिग्री पे शिफ्ट कर देता है इसको क्या कर देता है इसको डायरेक्शन अपोजिट इसकी कर देता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं ये एक कॉर्डिनेट बनाता हूँ कॉर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ मेरे पास ये देखें ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास ए है ओके okay? और बी की डायरेक्शन ये थी ये अभी मैं ओरिजिनल uh, बी की डायरेक्शन बता रहा हूँ मेरे पास बी की डायरेक्शन क्या थी ये वाली ओके okay? uh, ये मेरे पास क्या था ये मेरे पास बी की डायरेक्शन थी अच्छा ये तो बी अब देखें ये क्या करेगा प्लस माइनस बी माइनस बी है तो इसका मतलब है ये इसको शिफ्ट कर देगा कहाँ पे इसको शिफ्ट करेगा ये 180 डिग्री पे आपने इसको यहाँ पे वन एटी डिग्री पे शिफ्ट कर देना ओके okay? तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा अच्छा आपने हेड टू टेल रूल की तरह ही करना है क्योंकि हम अभी कर रहे हैं ग्राफिकली तो जो रिजल्टेंट आएगा वो देखें आप वो यहाँ से टेल से लेके ये इसके सॉरी टेल से लेके इसके हेड तक ओके okay? ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास आर है ओके okay? और ये हमारे पास क्या है ये माइनस पी है ओके okay? और, okay? और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास ए वेक्टर ओके okay, अच्छा इसके साथ कुछ श्रम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर पे क्या असर होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ए वेक्टर है चलिए लेट कर लेते हैं एक वी वेक्टर है ओके ओके वी वेक्टर okay? और उसकी डायरेक्शन है हमारे पास यू ओके okay? अच्छा ये हमारे पास वी वेक्टर है और अगर अब मैं इसको करता हूँ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई अब इसके तीन केसेस हैं के मैं कह रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी, क्या है है, हमारे पास एक है और हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसको? स्केलर को वेक्टर से। अच्छा, मैग्नीट्यूड के, 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 के पास पास और जो वेक्टर है उसके पास क्या होती है मैग्नीट्यूड uh, और डायरेक्शन अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड होगा ओके और एक नया रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी स्केलर क्या करता है स्केलर इज स्केलर जो है हमारे पास ये इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता okay? अगर अब देखें तीन केसेस के अगर जीरो हो और स्केलर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो और स्केलर जो है वो लेस देन जीरो हो अगर जीरो हो तो जीरो को अगर किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास एक जीरो वेक्टर आ जाएगा ओके okay? अगर के फॉर uh, एग्जांपल हमारे पास ये वी था मैं के डॉट वी करता हूँ और के हमारे पास पॉजिटिव है और फिर ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो के है इसका मैग्नीट्यूड कितना है जो ये के मैग्नीट्यूड कितना है और उसी लिहाज से हमारे पास क्या होगा हमारे पास इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास क्या होगी अगर ये पॉजिटिव है स्केलर के पॉजिटिव है इफ के इज ग्रेटर देन जीरो हमारे पास क्या होगा हमारे पास इसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो बढ़ जाएगी इफ के इज ग्रेटर देन जीरो आ रही होगी और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर एक जो स्केलर है वो हमारे पास वो नेगेटिव तो हमारे पास क्या होगा अगर हमने वी की डायरेक्शन जो थी हमने v की वी की डायरेक्शन ली हुई थी ये वाली ओके okay? अगर हमारे पास कि हमारे पास छोटा है नेगेटिव है इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो ये पहली बात है नेगेटिव मैंने आपको बताया था नेगेटिव क्या करता है नेगेटिव पहले डायरेक्शन डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट ऑपोजिट ओके जब हो जाएगी फिर देखा जाएगा कि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है अगर के वन से बड़ा है तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ओके और आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम एनालिटिकल देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और इसी तरह फिर हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच लाफिज